एडीजी यातायात ज्योति नारायण बुधवार को मथुरा आए। यहां उन्होंने एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए विचार विमर्श किया। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ज्योति नारायण बुधवार को मथुरा आए। यहां उन्होंने पुलिस लाइन के सभागार में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत एसपी सिटी एमपी सिंह, एसपी यातायात, एसपी क्राइम, सीओ सिटी, सीओ यातायात और सीओ सदर समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में एडीजी यातायात ज्योति नारायण ने मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए उसमें सुधार लाने की दिशा में विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से यातायात व्यवस्था को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए। लगभग एक घंटे तक चली बैठक के पश्चात एडीजी यातायात ज्योति नारायण मीडिया से मुखातिब हुए और यातायात व्यवस्था को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। मैं मथुरा जनपद के यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा की जानकारी करने और कुछ बिंदुओं के निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया हूँ और अभी अधिकारियों की बात सुनी, क्या समस्याएं हैं ट्रैफिक में और इन समस्याओं का निदान हम लोग कैसे करें, इस पर चर्चा हुई है। कुछ निर्देश मैंने दिए हैं और जो समस्याएं शासन स्तर पर हल होनी हैं उसके लिए लिखित रूप से ये प्रस्ताव हमें भेज रहे हैं। मुख्य रूप से ये था कि सड़क दुर्घटना में मरने वालों व्यक्तियों की संख्या को कम किया जाना है और 2030 तक उनकी संख्या आधा हो जाए, ये हम प्रयास करेंगे। एक पुलिसकर्मियों की कमी चल रही है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? मैं बता रहा हूँ, तो उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों को कम करना और दूसरा उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से किया जाए जिससे कि चालान हो, लोगों को आसानी से बिना शिकायत के समस्या का निदान हो सके और जो कमियां हैं ट्रैफिक की तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शासन से प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही अनुमोदन मिलते ही यहां ट्रैफिक कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वाहन क्रय करने के लिए भी हम लोगों ने इनसे प्रस्ताव मांगा है। ट्रैफिक में इंटरसेप्टर वाहन कम हैं, क्रेन कम हैं, आदमी कम हैं, प्रशिक्षण की सुविधा क्या होगी, सब पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मथुरा की प्राप्त करके हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ महीनों में थोड़े थोड़े मात्रा में रिसोर्सेज इन्हें दिया जा सके जिससे यातायात व्यवस्था इस शहर की दुरुस्त हो और यहाँ NGO और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ भी हम लोग वार्ता करके उन्हें भी शामिल करें कि यातायात को कैसे सुधारा जाए, पार्किंग कहाँ बनाई जाए, वन वे रखा जाए या न रखा जाए, इन पर चर्चा करके हम लोग कोई उपाय निकाल सकते। मैं अभी दोपहर में वृंदावन में जो अधिकारी हैं उनके साथ उस जगह पर जाऊंगा जहां पे दिक्कतें हैं, मैं खुद उसे देखूंगा और उनकी जो जो दिक्कतें हैं जो शासन स्तर से और लखनऊ स्तर से होंगी उसे पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, देखा जा रहा है मथुरा शहर की सड़कें हैं वो छोटी हैं लेकिन ई रिक्शा की संख्या, टेम्पो की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इस पर भी चर्चा हुई है और कई जनपदों जहां मैं गया, मेरठ में गया, नोएडा गया, वाराणसी गया, सभी जगह ये आ रही है कि ई रिक्शा को रोकने के लिए और उन्हें प्रॉपर तरीके से संचालित करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जिससे कि वो जो जाम की स्थिति है उसमें सुधार हो सके, इस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कारगर होगा, हर जगह कारगर है और अभी उसकी प्रक्रिया जब सामने आएगी, रिजल्ट आएगी, तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ आवश्यकता और है उसे लागू करें।